जय हिंद बच्चों, आप सभी को हम स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेज में, जिसमें आज आप लोग देखेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 8 सेकेंड टर्म 2021-22 सब्जेक्ट इंग्लिश का कुछ VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में आने की संभावना है। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। नंबर एक कह रहा है, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, मतलब पंछी ने अंडे कहाँ दिए थे। तो ये बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट एबव द कॉर्निक द केसो हाउस। ए बर्ड मतलब पंछी ने कहाँ दिया था, तो केसो हाउस के कॉर्निक मतलब किनारे पर, घर के छत के किनारे पर। नेक्स्ट है, विच क्वेश्चन मेड केशव एंड श्यामा क्यूरियस अबाउट द एग्स, मतलब किस प्रश्न को लेकर केशव और श्यामा डरे हुए थे। नंबरियस क्वेश्चन रोज इन देयर माइंड, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन कौन रहे थे, कि जैसे हाउ बिग वेयर द एग्स, के अंडे कितने बड़े होते हैं। व्हाट कलर वेयर दे, उसका रंग क्या होता है। हाउ मैनी व्हाट कलर वेयर दे, वो कितने रंग में पाए जाते हैं। हाउ मैनी व्हाट डिड दे, मतलब वो लोग क्या खाते कैसे खाते हैं। नेक्स्ट, हु वंडर लाइक ए लोनली क्लॉड एंड वेयर, मतलब कौन बादल को खोज रहा था। द राइटर लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ, लेखक का नाम क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ। वंडर्ड लाइक ए लोनली क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैल्स एंड हिल्स। चोटी और झरना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड कालीज फादर डू फॉर योर लिविंग, मतलब काली के पिताजी अपने जीविकोपार्जन के लिए, जीवन चलाने के लिए क्या करते थे। तो काली फादर डिड स्नैक कैचिंग फॉर ए लिविंग, काली के पिताजी अपने जीवन चलाने के लिए सांप पकड़ते थे। नेक्स्ट है, व्हाट टू लिक्विड डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन, मतलब सियाचिन में कौन से दो द्रव जो जमते नहीं हैं। तो टू लिक्विड लाइक रम एंड क्रोसिन, एक होता है रम और दूसरा होता है क्रोसिन, डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन, मतलब सियाचिन में यही दो चीज़ है जो कि बर्फ नहीं बनता है, पिघल मतलब जमता नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द किंग आस्क सच फुलिश क्वेश्चन, मतलब राजा मूर्खों वाली कहानी, मूर्खों वाली बातें क्यों करता था। द किंग आस्क, मतलब राजा ने पूछा सच ए फुलिश क्वेश्चन, बहुत ही सचमुच में बहुत ही मूर्ख प्रश्न। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ए बैड किंग, क्योंकि वह एक बुरा राजा था। एंड ही वॉज हर्स एंड क्रूल टू हिज पीपुल, वो अपने लोगों पर कष्ट देना चाहता था, लोगों को कष्ट देता था। नेक्स्ट है, विच अवार्ड एंड हाउ मैनी टाइटल्स हैज सानिया मिर्जा ऑन, मतलब सानिया मिर्जा ने कितने अवार्ड जीते। तो सानिया मिर्जा हैव ऑन ए टोटल ऑफ 41 WTA एंड 4 ITF टाइटल्स टू हर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हु इज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन ए ओलंपिक मेडल, मतलब भारत की प्रथम महिला कौन थी जिसने ओलंपिक मेडल जीता। तो पी वी सिंधु इज द फर्स्ट वोमेन टू विन ए ओलंपिक मेडल, मतलब पी वी सिंधु ओलंपिक मेडल जीतने वाली प्रथम महिला थी। वाई इज पीटी उषा नॉन एज द गोल्डन गर्ल, पीटी उषा का पूरा नाम है पीलूवाल कंडी टेका परवील उषा। तो पीटी उषा नॉन एज द गोल्डन गर्ल, पीटी उषा को जो है सुनहरे लड़की नाम से जाना जाता है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ हर अवेयरनेस, मतलब गजब के अवेयरनेस स्पीड ऑन द ट्रैक, मतलब ट्रैक पर उस पीटी उषा गजब की स्पीड थी, चाल थी। नेक्स्ट है, व्हाट हैड किंग जॉन हेयर्ड अबाउट द एबट कैंटरब्यूरी, मतलब राजा
राजा जॉन ने एबर्ट के बारे में कौन सी कहानियाँ सुनी थी? द किंग जॉन मतलब राजा जॉन हियर द सुना था दैट द एबर्ट द वाइज लिविंग ए बेटर लाइफ देन ए किंग मतलब वह राजा से मतलब किंग जॉन ने सुना था कि एबर्ट जो है कि राजा से भी बेहतर जिंदगी जी रहा है देन ए किंग ही मेड अप हिज माइंड टू पुट ए स्टॉप इट उसके दिमाग में यह बात कौन गया और उसको रोकने का प्रयास करने लगा। नेक्स्ट व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ मेरी कॉम चाइल्डहुड मतलब मेरी कॉम का बचपन का मुख्य विशेषताएँ क्या थी? तो सी वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली वह एक गरीब परिवार में जन्म ली थी ऑफ रूरल मणिपुर मतलब ग्रामीण मणिपुर में ग्रामीण क्षेत्र में सी ग्रू अप ए हम्बल सराउंडिंग्स वह जो है विनम्र वातावरण में जी हेल्पिंग हर पेरेंट्स उसके माता पिता एक दूसरे को सहायता करते थे विथ फार्म रिलेटेड कोर्स गोइंग टू द स्कूल एंड लर्निंग एथलीट्स इन टेली एंड लेटर बॉक्सिंग सिम अल्टरनेटली मतलब उसके माता पिता एक दूसरे को सहायता करने को सिखाते थे बचपन से ही उन्होंने एथलीट का प्रयास किया और बाद में फाइनली उन्होंने बॉक्सिंग में सफलता पाई। नेक्स्ट व्हाट डिड ग्रैंड मा रिमाइंड स्नेहा मतलब दादी जी स्नेहा को क्या याद दिलाते हैं कि इट वॉज फ्राइडे आज फ्राइडे एंड सी हैड टू फास्ट उसको जो है उपवास रखना एंड वर्शिप और क्या करना है पूजा करना है। नेक्स्ट 13 नंबर व्हाट मेड रुपेश फादर एंग्री मतलब कैसा चेहरा करके रुपेश के पिताजी नाराज हुए? तो मिस्टर रमेश फादर ऑफ रुपेश मिस्टर रमेश जो कि रुपेश के पिताजी थे लुक एट द कार्ड कार्ड को जब देखे विथ क्यूरियस गुस्साई नज़रों से आइज गुस्साई आंखों से देखे एंड देन आफ्टर उसके बाद ये वाइल हिज फेस बिकम रेड और उसका आँख मतलब चेहरा क्या गुस्सा से लाल हो गया। नेक्स्ट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस मतलब श्री कृष्णा ईटिंग हाउस किस प्रकार का था वर्णन करें। श्री कृष्णा ईटिंग हाउस डिड नॉट हैव सीन सो मच एज ए कलर्ड मतलब उसका जो घर था पूरी तरह से कलर किया हुआ नहीं था रंगा हुआ नहीं था पिक्चर कलर्ड टू द ऑल मतलब दीवार पर भी रंगा हुआ नहीं था द सीलिंग वाज इट थिक मतलब ऊपर जो छत जो लगा हुआ था खपरेल का कोबे वाज द ट्रैप टू द शॉर्ट एंड मेड ए काइंड ऑफ श्यूरी ब्लैंकेट ओवर वंस हेड मतलब उसके ऊपर क्या कंबल का पर्दा लगाया हुआ था। नेक्स्ट 15 नंबर मैच द वर्ड्स विद देयर एंटोनोमीज मतलब इसको मिलान करना उल्टा शब्दों के साथ हेट हेट का मतलब तो नफरत करना नेट इसका होगा लव प्यार करना प्राउड प्राउड मतलब अहंकारी इसका होगा हम्बल विनम्र फ्रेंडली मतलब मित्रता इसका हॉस्टल मतलब शत्रुता अगली या उगली पड़ता है ग्रुप इसका होगा हैंडसम बच के हंस हंस का होगा नोवाइस। थैंक यू। यदि वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।